मेरठ से बड़ी खबर, जहां देर रात सीबीआई ने छापेमारी की है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कार्यालय में। सीबीआई का छापा, तो सीबीआई ने ठेकेदार बीबी प्रसाद रेड्डी से 9 घंटे की पूछताछ की है। पूछताछ के बाद रेड्डी को गाजियाबाद लेकर आई सीबीआई। 40,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप रेड्डी को। तो बता दें कि रेड्डी को सीबीआई कोर्ट में आज पेश कर जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम मेरठ से दे रहे हैं। तो 9 घंटे की पूछताछ जो है वो यहां पर की गई है। तो देर रात सीबीआई ने छापेमारी की है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कार्यालय में। सीबीआई ने छापा मारा है और इस दौरान 9 घंटे जो पूछताछ है वो की गई है और आज रेड्डी को सीबीआई कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि देर रात इस कार्रवाई को अंजाम सीबीआई की तरफ से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कार्यालय में सीबीआई का छापा। तो सीबीआई ने ठेकेदार बीबी प्रसाद रेड्डी से 9 घंटे से पूछताछ की और संवाददाता मुनव्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुनव्वर, देर रात सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 9 घंटे तक पूछताछ, क्या कुछ निकला इस पूछताछ में? देखिए, आप बता दें कि सीबीआई ने मेरठ के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कमांडर वर्क इंजीनियर जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है उनको 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। ठेकेदारी की शिकायत थी कि वो रिश्वत लेते हैं टेंडर देने के लिए। बाकायदा ठेकेदारी की शिकायत पर गाजियाबाद से जो टीम थी वो पहुंची थी और आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उनके कार्यालय और आवास पर दोनों जगह ही टीम ने सर्च अभियान चलाया था। इस दौरान अफरा तफरी भी मची रही। बीबी प्रसाद रेड्डी इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1988 बैच के अधिकारी है। वर्तमान में यह मेरठ के कैंट में पिछले 1 साल से सीडब्ल्यूई यानी कि एसई यानी कमांडर वर्क इंजीनियर प्राइवेट प्रोटेडिंग इंजीनियर के दफ्तर में तैनात थे। इस पर आरोप था कि जो ठेकेदार हैं जो इनके पास आते हैं उनसे ये पैसे लेते हैं यानी कि रिश्वत मांगते हैं। टीम के पास बाकायदा पहुंचा था और इस बारे में जानकारी दी थी। जो टीम मौके पर पहुंची और रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया। इनसे काफी बिल्कुल आज मनवर सीबीआई कोर्ट में भी रेड्डी को पेश किया जाएगा और उसके बाद जेल भेजा जाएगा। कितने बजे ये पेशी होगी और क्या कुछ दलीलें सीबीआई की तरफ से रखी जा सकती हैं? देखिए, सीबीआई आमतौर पर तो कुछ बताती नहीं है लेकिन इनको रात 12 बजे यहाँ से लेकर चले गए हैं और इनके जो दफ्तर थे और कार्यालय था उनके वहाँ से जो दस्तावेज मिले हैं उनको भी सील किया गया है। उनको भी अपने कब्जे में सीबीआई ने लिया है और निश्चित तौर पर सीबीआई अपनी कोर्ट में इनको पेश करेगी। और ये देखिए पहली ऐसा हुआ है कि 50 सालों में जहाँ टीम ने इस तरह के जो बड़े अधिकारियों को पकड़ा हो और उनसे पूछताछ की जा रही। हालांकि इसमें चौंकाने वाले खुलासे आ सकते हैं। ये जो धंधा था रिश्वतखोरी का काफी दिनों से चल रहा था और अब जितने भी यहाँ ठेकेदार थे उन्होंने इनके जाने के बाद यहाँ पर हुटिंग किया, शोर मचाया और प्रदर्शन किया। हालांकि इसकी टीम थी उन्होंने उनको डांट दिया लेकिन उन्होंने कहा है कि बाय बाय, अब आप जाइए, रिश्वतखोरी यहाँ नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से रिश्वतखोरी पर प्रतिबंध लगा है और इस तरह के कोई भी अधिकारी हो उन पर इसी तरह गाज गिरती रहेगी। यानी कि अब अधिकारियों में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना रहेगा और इस तरह की हरकत कोई नहीं करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।